पत्नी और बच्चे के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान शिव जी की एक बहन भी थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया तो वह खुद को घर में अकेला महसूस करती थी। उनकी इच्छा थी कि उनकी काश एक नंद होती तो उनका मन लगा रहता, लेकिन भगवान शिव तो अजन्मे थे, भगवान शिव तो अंतर्यामी थे। उन्होंने माता पार्वती के मन की बात जान ली। उन्होंने पार्वती जी से पूछा कि कोई समस्या है देवी? तब पार्वती जी ने कहा कि काश उनकी कोई नंद होती। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हें नंद ला तो देता हूँ, लेकिन क्या नंद के साथ आपकी बनेगी? पार्वती जी ने कहा कि भला नंद से मेरी क्यों ना बनेगी। भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी, मैं तुम्हें एक नंद लाकर देता हूँ। भगवान शिव ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न किया। भगवान शिव ने कहा कि ये लो, ये है तुम्हारी नंद है, जिसका नाम आशावरी देवी है। देवी पार्वती अपनी नंद को देखकर बहुत खुश हुई। आशावरी देवी स्नान करके आई और भोजन मांगने लगी। देवी पार्वती ने भोजन परोस दिया। जब आशावरी देवी ने खाना खाना शुरू किया तो पार्वती जी के भंडार में कुछ भी नहीं बचा, वो सब खा गई। महादेव जी के लिए कुछ भी नहीं बचा। इसे देखकर पार्वती जी दुखी हो गई। उसके बाद जब देवी पार्वती ने नंद को पहनने के लिए नए वस्त्र दिए तो मोटी असावरी देवी के लिए यह वस्त्र छोटे पड़ गए। पार्वती जी उनके लिए दूसरे नए वस्त्र का इंतजाम करने लगी। इस बीच नंद जी को एक मजाक सूझा और उन्होंने अपने पैरों की दरार के बीच में पार्वती जी को छुपा लिया। पार्वती जी का दम घुटने लगा। महादेव जी ने जब असावरी देवी से पार्वती के बारे में पूछा तो असावरी देवी ने झूठ बोला कि जब शिव जी ने कहा कि कहीं ये तुम्हारी बदमाशी तो नहीं। असावरी देवी हंसने लगी और ज़मीन पर पाँव पटक दिया। इससे पैर की दरार उसमें दबी हुई पार्वती जी बाहर आ गिरी। उधर नंद के व्यवहार से देवी पार्वती जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि कृपया करके इस नंद को जल्द से जल्द ससुराल भेजने की कृपा करें, मुझसे बड़ी भूल हो गई कि मैंने नंद की चाह की। इस पर भगवान शिव ने असावरी देवी को कैलाश से विदा कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें।